भारत का श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टी20 मैच आज। सीरीज जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। ऐसी हो सकती है आज भारत की प्लेइंग 11। जाने कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, बताएंगे आपको इस वीडियो में सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपके अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी कि 7 जनवरी को राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा, जो कि राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारत ने 2 रनों से रोमांचक जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने 16 रनों से बाजी मारी थी। ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज के लिहाज से निर्णायक हो गया है। भारतीय समय अनुसार तीसरा टी20 मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहा। शुभमन गिल लगातार दूसरी बार असफल रहे, और अब राहुल त्रिपाठी की तरफ से वह कोई मौका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। राहुल त्रिपाठी भी अपने पहले मैच में नहीं चल सके। अब देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को आखिरी मैच में मौका मिलेगा या नहीं। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल की बैटिंग फॉर्म में है, और दोनों ही ने दूसरे टी20 मैच में धमाकेदार बैटिंग की थी। तो इस प्रकार हो सकती है तीसरे टी20 मैच में भारत की प्लेइंग 11। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या कप्तान, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शिवा माबी, उमरान मलिक, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल। सो गाइस, आपके अनुसार आज का मैच कौन सी टीम जीत सकती है हमें कमेंट में बताकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।